हेलो भाई दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं चार ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो आपके बजट में आ सकते हैं। और ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, ये ओनली फॉर मनी है। इन फोनों में से कौन सा किन यूजर्स के लिए बेस्ट है, ये सब बताऊंगा इस वीडियो में। और इन फोन में क्या क्या अच्छे हैं और कौन सी कमियां हैं इन फोनों में, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करते हैं, Redmi 12 5G। और प्राइस के हिसाब से इस फोन में जो जो चीजें मिल रही है, वैल्यू फॉर मनी है। तो सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। 679 इंच की 90 हर्ट्ज IPS LCD पैनल है, 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है और स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 है। और इसका डिस्प्ले जो है ब्यूटीफुल डिस्प्ले है, हमने इसको पहले भी टेस्ट किया है, बहुत अच्छा डिस्प्ले निकल के आता है, पंचोल डिस्प्ले है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इस फोन में आपको अच्छा मिलने वाला है। और जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2, इसको भी पहले मैंने चेक किया है। जो इसका प्राइस है, इस प्राइस में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप गेमिंग वगैरह खेलना चाहते हो, बहुत ही अच्छी कर सकते हो इस फोन में। जो थोड़े से महंगे वाले फोन है, उन फोनों की तरह परफॉर्मेंस तो आपको नहीं मिलेगा इस फोन में, लेकिन जिस प्राइस पे ये फोन आपको मिल रहा है, ये एक सॉलिड परफॉर्मेंस आपको देगा। बाकी जो कैमरा है, एक डिसेंट सा कैमरा है, अच्छे फोटोज ले लेता है, एकदम बेस्ट तो नहीं कहूंगा इसके कैमरे को। अच्छी बैटरी मिल जाती है 5000 mAh की इसमें। इसका जो डिजाइन लुक है वो भी आपको बढ़िया मिल रहा है। तो दोस्तों, ये फोन उन लोगों के लिए जिनको एक अच्छी मीडिया एक्सपीरियंस चाहिए, आप इस फोन को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, अगला जो फोन है वो है वीवो की तरफ से, वीवो T2X। तो इस बजट में वीवो का भी एक फोन आपको मिल रहा है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल है, 50 मेगापिक्सल का सुपर AI कैमरा है, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, MediaTek Dimensity 6020 चिपसेट है, 5000 mAh की बैटरी है और 18 वाट्स का आपको चार्जिंग मिल जाती है। इस फोन को अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको एक बैलेंस पैकेज ले आता है। और ये फोन उन लोगों के लिए है जिनको इस बजट में वीवो का फोन चाहिए, और वो भी एक प्रीमियम डिजाइन और एक अच्छे कैमरे के साथ। परफॉर्मेंस भी इसमें आपको अच्छे मिल जाते हैं, डिसेंट से परफॉर्मेंस है। बाकी जो इसका डिस्प्ले है, IPS LCD पैनल है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसके डिस्प्ले एमोलेड नहीं है, और एक अच्छी बात है, ये फुल HD प्लस डिस्प्ले है। परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, और डिसेंट से परफॉर्मेंस मिल जाती है, मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकते हो और डिसेंट से आप गेमिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक वीवो फैन हो, वीवो का फोन देख रहे हो इस बजट में, तो इस फोन की तरफ आप एक नज़र डाल सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। और नेक्स्ट जो फोन आता है इस बजट में, ये मेरा फेवरेट फोन है और एक प्रीमियम ब्रांड की तरफ से है, सैमसंग। और इस फोन में आपको सैमसंग की तरफ से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, एक्सोनस 1280 चिप है, गैलेक्सी सिग्नेचर डिजाइन है, 50 मेगापिक्सल का OIS ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 6000 mAh की बैटरी है, 4 इयर्स का OS अपडेट और 5 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट है। इस प्राइस में इस फोन में आपको क्या ही नहीं मिलता। सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिलता है, पंचोल डिस्प्ले नहीं है लेकिन डिस्प्ले देखने में बहुत ही अच्छा है। आज जो परफॉर्मेंस है, एक्सोनस 1280 चिप जो डिसेंट से आपको परफॉर्मेंस दे देता है। तो इसका OIS कैमरा है, इसको पहले भी हमने चेक किया था, बहुत अच्छे फोटो कैप्चर करता है। और दो अच्छी चीजें इस फोन में और है, सबसे पहले 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी है। मतलब अगर आप एक हेवी यूजर हो, आप बहुत ज्यादा फोन को यूज करते हो, बैटरी बैकअप से परेशान हो, इस फोन में आपको वो मसला नहीं मिलेगा। 4 साल का OS अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट आपको इसमें मिलेगा। और ये जो चीजें इस फोन में आपको मिल रहे हैं, कोई दूसरा ब्रांड आपको 4 साल का OS अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट नहीं देगा, आपको काफी अरसे तक ये फोन चला सकते हो। तो अगर आपको एक अच्छा डिस्प्ले, अच्छा कैमरा और बड़ी बैटरी और एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, आप इस फोन को जरूर चेकआउट कर सकते हो। सैमसंग जैसे प्रीमियम ब्रांड की तरफ से एक बजट वाला फोन आपको मिलता है काफी सारी चीजों के साथ। बस इस फोन में जो कमी आती है एक ही चीज की, इसके बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा, आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगला जो फोन है ये है मोटोरोला G54 5G। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का OIS डुअल कैमरा मिलता है, 6.5 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, 6000 mAh की बिग बैटरी मिलती है, 33 वाट की चार्जिंग है। इसमें MediaTek Dimensity 7020 का प्रोसेसर है। अगर इस फोन के प्लस पॉइंट की मैं बात करूं, इस फोन में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, जैसे इस फोन की परफॉर्मेंस है,
कीमत में, तो बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आता है। और इसमें OIS कैमरा है, इस कैमरे को पहले भी टेस्ट किया है और ये कैमरा बहुत अच्छे फोटोज लेता है। इसके अलावा 6000 mAh की बिग बैटरी आपको मिलती है इसमें। हाँ, बस एक ही चीज की कमी है इस फोन में, इसका जो डिस्प्ले है ये AMOLED डिस्प्ले नहीं है। इससे पहले जो मैंने फोन बताए थे उसमें आपको AMOLED डिस्प्ले इस कीमत में आपको मिलेगा, लेकिन ये AMOLED डिस्प्ले नहीं है, ये IPS डिस्प्ले है। लेकिन फिर भी इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है मुझे अच्छी लगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस फोन में आपको मल्टीटास्किंग जबरदस्त मिल जाएगा। तो बस आप लोग बताओ इन फोनों में से सबसे बेस्ट फोन आपको कौन सा लगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दे, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलेंगे एक अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।